क्या सीमा हैदर की होगी भारत की राजनीति में एंट्री? सीमा हैदर को मिला राजनीति में आने का न्योता। किस राजनीतिक पार्टी ने सीमा हैदर को दिया ऑफर? पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को लेकर अभी ये फैसला होना बाकी ही है कि वो इंडिया में रहेंगी या पाकिस्तान में। उससे पहले भारत के लोगों ने यह तय करना शुरू कर दिया है कि सीमा हैदर को क्या करना चाहिए। अगर वो इंडिया में रह जाती हैं तो उनको कौन सा काम करना चाहिए? कोई उन्हें हीरोइन बनाना चाहता है तो कोई उन्हें और सचिन को अपनी कंपनी में नौकरी देना चाहता है। इन्हीं सब के बीच सीमा हैदर के करियर को लेकर एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। खबर है कि सीमा हैदर को भारत की राजनीति में एंट्री लेने का ऑफर मिल चुका है। एक पार्टी ने तो उन्हें अपने दल को ज्वाइन करने का न्योता तक दे डाला है। सीमा हैदर को भारत की राजनीति में लाने को लेकर पार्टी के नेता ने तो लाजवाब उदाहरण तक दे डाला है। सीमा हैदर को अपने दल में ज्वाइन कराने का ऑफर दिया है। उस पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। RPI के राष्ट्रीय प्रवक्ता किशोर मासूम ने यह ऑफर दिया है, जिनके मुताबिक सीमा हैदर के खिलाफ जो जांच हो रही है, अगर वो उसमें निर्दोष निकलती हैं और उन्हें भारत की नागरिकता मिलती है तो हम चाहेंगे कि वो RPI का हिस्सा बने। उन्हें पार्टी के UP महिला विंग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक पाकिस्तानी महिला को कोई इंडियन पार्टी ऐसा ऑफर कैसे दे सकती है? RPI के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इसका भी जवाब दिया। उनके मुताबिक इस देश में जब सोनिया गांधी बाहर से आकर PM पद की उम्मीदवार बन सकती हैं, तो सीमा हैदर के साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? वो भी भारत की राजनीति का हिस्सा बन सकती हैं। RPI के राष्ट्रीय प्रवक्ता किशोर मासूम यहीं नहीं रुके। उनका कहना है कि सीमा हैदर के इंटरव्यू उन्होंने देखे हैं, वो बहुत अच्छी वक्ता है, इसलिए पार्टी उन्हें चुनाव भी लड़वा सकती है, प्रवक्ता भी बना सकती है। मुझे लगता है कि उन्हें राजनीति में आने के बारे में इत्मीनान से सोचना चाहिए। बता दें, RPI BJP की सहयोगी पार्टी है, जिसके मुखिया रामदास अठावले केंद्र सरकार में मंत्री हैं। हालांकि अठावले की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने तो ऐसा बोलकर एक नई बहस छेड़ी दी है। रामदास अठावले भी अपने बयानों को लेकर कम सुर्खियों में नहीं रहते हैं। हालांकि किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता का बयान पूरी तरह से पार्टी का बयान होता है। ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि किशोर मासूम के इस बयान से पार्टी के मुखिया अठावले भी सहमत हैं? हालांकि फिलहाल इस मामले में अठावले की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन किशोर मासूम की राजनीति भरी ये मासूमियत कहीं उनकी पार्टी को विवादों में ना घेर दे। बहरहाल, जब RPI ने सीमा हैदर को न्योता दे ही दिया है, तब ऐसे में सीमा हैदर का इस पर क्या रुख होता है, ये भी देखना कम दिलचस्प नहीं होगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें 1 इंडिया हिंदी के साथ।